वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब थे। लखनऊ में जैसे उनकी जान बसती थी। 30 जुलाई 1822 को फरहत बख्श पैलेस में जन्मे वाजिद अली शाह हिंदुस्तान के बाकी नवाबों से काफी अलग थे। उनकी कहानी अलग थी और शासन का उनका तरीका भी एकदम अलग था। कहते हैं वाजिद अली के जन्म के बाद उनकी माँ आलिया बेगम ने शाही ज्योतिषियों को बुलवाया और अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहा। ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमार की कुंडली में ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, ज्यादा संभावना ये है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जोगी बन जाएगा। ज्योतिषियों ने इसकी काट भी बताई, कहा कि अगर राजकुमार अपने हर जन्मदिन पर जोगी का वेश धरे और गेरुआ कपड़ा पहने तो ग्रह नक्षत्र बदल सकता है। सुदीप्ता मिश्रा अपनी किताब अ नवाब एंड अ बेगम में लिखती हैं, आलिया बेगम ने छठी के मौके पर भी वाजिद अली को बिल्कुल जोगियों जैसा कपड़ा पहनाया। उसके बाद वो हर जन्मदिन पर जोगियों की तरह गेरुआ कपड़ा पहनते रहे। वाजिद अली शाह पर कई किताबें लिखी गई हैं। खुद वाजिद अली शाह ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अपनी आत्मकथा परिखाना में वाजिद अली लिखते हैं, जब मेरी उम्र 8 बरस की थी, रहीमन नाम की एक औरत मेरी खिदमत में लगाई गई। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल की थी। एक दिन जब मैं सो रहा था, उसने मुझ पर काबू पा लिया, दबोच लिया और मुझे छेड़ने लगी। मैं डरकर भागने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया और मुझे उस्ताद मौलवी साहब से शिकायत करने का डर दिखाया। मैं परेशान था कि किस मुसीबत में मैं फंस गया। फिर अगले ही 2 साल तक, जब तक रहीमन रही, ये रोज का सिलसिला हो गया। आगे माँ की मुलाजिम अमीरन ने भी यही सब दोहराया। 11 बरस का होने तक वाजिद की औरतों की संगत भाने लगी और फिर बन्नो साहब, हाजी खानम जैसे नाम इस फहरिस्त में जुड़ते चले गए। अपनी प्रेम कहानियों के लिए और महिलाओं के साथ संबंध के लिए वाजिद अली बदनाम भी हुए, लेकिन वो अपनी धुन में लगे रहते थे। कहते हैं जब वो कथक डांस करते थे तो कृष्ण बन जाते थे। वाजिद अली शाह एक शायर भी थे और आजकल जो हम और आप रील्स में देखते हैं, सैनिकों की विदाई देता हुआ वो गीत कि खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये वाजिद अली शाह की ही शायरी है। इसका मूल उन्होंने ऐसे लिखा है, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। वाजिद अली शाह ने ये तब लिखा था जब अंग्रेजों के कारण उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ा था। वो 31 साल कोलकाता में निर्वासित रहे थे। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि वो ना होते तो लखनऊ को उसकी नजाकत नफासत नसीब ना होती और ना ही लखनऊ के अदब और उसकी तहजीब की चर्चा पूरी दुनिया में होती। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।